हर्निया जो हम कहते हैं, हमारे जो एब्डोमिनल वॉल होती है, जब एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है तो कोई भी हमारा इंटरनल पार्ट, इंटरनल ऑर्गेन, जब उस हमारे वॉल से बाहर आने लगता है, उसे हर्निया बोलते हैं। तो हर्निया कई तरह के हो सकते हैं। वो आपके पूरे एब्डोमिनल वॉल में, जिसे बेंट्रल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया एंड इंग्वाइनल हर्निया और बहुत सारे भी हर्निया होते हैं। अगर हम मेन बात करें इंग्वाइनल हर्निया की, तो इंग्वाइनल हर्निया जो एरिया होता है, वो होता है जो हमारा प्यूबिक एरिया होता है, जहाँ प्यूबिक हेयर्स होते हैं, वहां से स्टार्ट होता है और लेटर हम जाएंगे तो हमारी जो बोन होती है, हिप वाली बोन जो फील होती है, तो उस बीच को इंग्वाइनल क्रीज बोलते हैं। तो वहां जो हर्निया होता है उसे इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। बेसिकली क्या है, ये मेल्स में 10 टाइम मोर होता है, फीमेल्स में कम होता है। और इसका कोई ऐसा सच रीजन नहीं है होने का, बस ये है कि इंसिडेंस देखा गया है कि मेल्स में ज्यादा होता है, 10 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को जो सबसे पहले होता है, जब कभी वो वॉक करेगा, कभी ऐसा कुछ स्ट्रेस वाला काम करेगा, कोई वेट उठाएगा, कोई कफ करेगा, तो उसमें क्या होता है, उसे एक बल्ज फील होगा कि मेरे इस लोअर पार्ट में मुझे एक स्वेलिंग सी फील हो रही है, एक बल्ज आ रहा है। जब भी मैं हैवी वर्क करता हूँ, कफ स्ट्रेनिंग वाला वर्क, तो उसे इनिशियल स्टेज में उसको क्या, वहां पे एक स्वेलिंग महसूस होती है। फिर जब ये ग्रेजुअली ये बढ़ती चली जाती है, तो वहां पे प्रॉपर आपको उसमें गांठ सी महसूस होने लगती है कि यहाँ नहीं तो अब तो गांठ है। फिर धीरे धीरे क्या है, जब और ग्रेजुअल होता जाता है डिसीज, तो आपको उसमें पेन महसूस होने लगता है, एक डिस्कम्फर्ट होने लगता है कि इस एरिया में मुझे पेन होता है, जब भी मैं चलता हूँ, खांसता हूँ तो ज्यादा पेन होने लगता है। और जब टाइम के साथ और जब आगे ये डिजीज बढ़ती जाती है, तो वो स्वेलिंग जो है हमारे नीचे, जैसे लगे टेस्टिस होती है, टेस्टिस तक भी स्वेलिंग पहुंच जाती है वो हर्निया की, जब लोग इग्नोर कर देते हैं इस चीज को। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में जो पहला अर्ली सिम्टम होता है कि उसे वहां पे एक स्वेलिंग विजिबल होती है, स्वेलिंग के बाद उसको फिर पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, डिस्कम्फर्ट शुरू होने लगता है। और जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, जब वो इंटेस्टाइन बाहर निकल के आती है, हर्निया में होता क्या है, हमारे अंदर गट जो इंटेस्टाइन होती है वो बाहर निकलने लगती है, तभी हर्निया कहते हैं। जब हमारी इंटेस्टाइन नीचे आने लगती है और जब वो वापस चली जाती है, जब आप रिलैक्स करते हो, तब तक तो पेशेंट को बस इतना लगता है कि नहीं, हाँ बस सूजन आ रही है, थोड़ा पेन हो रहा है। पर ये कभी कभी क्या होता है, वो जो इंटेस्टाइन बाहर आ रही है वो वापस नहीं जाती, उसे हम ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहने लगते हैं, कि वो वहां पे रुक गया है वो बबल। और जब वो काफी समय तक रुका रहता है तो पेन और ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पर रेडनेस आने लगते हैं, पेशेंट को वोमिटिंग होने लगती है, तब हम उसे स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कहने लगते हैं, इंग्वाइनल हर्निया को। स्ट्रेंगुलेटेड का मतलब क्या है कि उस जो इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसमें ब्लड सप्लाई उसकी कम हो गई है। वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें हमें एज अर्ली एज पॉसिबल ऑपरेशन की जरूरत होती है, अदरवाइज जो वो इंटेस्टाइन का पार्ट आता है वो खराब हो जाता है। बेसिकली क्या है कि जैसे क्या ना, ये हमने बोला ना कमजोरी, तो ये क्या होता है, जो हमारा एब्डोमिनल वॉल होती है, जो हमारी मसल्स होती हैं, हमारी एब्डोमिनल वॉल में 3 मसल्स होती हैं, तो ये मसल्स की वीकनेस होती है। अब ये वीकनेस 2 तरह से हो सकती है, या कंजेनाइटल, मतलब सिंस बर्थ, जब आपका बर्थ हुआ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो प्रीमेच्योर होते हैं, जिनका लो वेट होता है, तो जो आपकी मसल्स होती हैं वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो वो वीकनेस होती है। तो बच्चों में इसलिए कंजेनाइटल हर्निया भी बोलते हैं इसको, जो सिंस बर्थ से या बच्चों में होते हैं। तो इसका रीजन हो गया कि वो आपके ये प्रीटर्म हुए हैं, लो वेट बच्चे हुए हैं, जो स्टार्टिंग से ही बहुत वीक हैं, तो उनकी मसल्स भी वीक हैं। फिर हम आते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड चीज क्या है कि हम वो चीज पहले से नहीं थी, अब डेवलप हो गई है। एक्वायर्ड मीन्स होता है किसी रीजन से, तो उसके जो मेन रीजन होते हैं किसी भी चीज की, जैसे हमारी मसल बहुत जो कमजोर होती है, जो ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारी मसल को वीक कर सकें। तो कैसे वीक होगा, जैसे कि हम बहुत हैवी वेट उठाते हैं, सपोज जो हैवी वेट वर्कर होते हैं, तो सारा प्रेशर कहाँ पड़ता है, हमारी एब्डोमिनल मसल्स में। तो हमारी एब्डोमिनल मसल्स टाइम के साथ वो वीक होती जाती हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं, बहुत प्रेशर लगाते हैं जब वो स्टूल पास करने के लिए, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनकी फिर मसल वीक हो जाती है। जिनको कफ होता है, क्रोनिक कफ होता है, सपोज जो महीने महीने, दो दो महीने जिनको कफ ठीक नहीं होता, तो जब आप कफ करते हैं तो सारा प्रेशर कहाँ जाता है, हमारी मसल्स में जाता है, एब्डोमिनल मसल्स में जाता है। और जो यूरिन में स्ट्रेनिंग करते हैं, मतलब कुछ ओल्ड एज में होता है कि यूरिन नहीं आता, लोगों को बहुत प्रेशर करना पड़ता है, तब भी हमारे एब्डोमिनल मसल में प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण से वो वीक हो जाती है। तो अगर हम कहें कि कोई भी ऐसा वर्क, किसी भी ऐसी चीज है जो हमारे प्रेशर जनरेट करते हैं एब्डोमिनल में, तो उससे क्या होती है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। और कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि सपोज फीमेल्स में है, फीमेल्स में क्या होता है, एक प्रेगनेंसी होती है। बेसिकली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो हमारा एब्डोमिनल मसल होता है, हमारा एब्डोमिन गर्थ होती है, वो बढ़ जाती है।
हमारी मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं। तो कुछ फीमेल्स में देखा गया है कि टाइम के साथ पोस्ट प्रेगनेंसी उनकी मसल की जो स्ट्रेंथ होती है, कुछ की स्ट्रेंथ तो वापस आ जाती है, पर कुछ की स्ट्रेंथ जो है लैक्स हो जाती है, मतलब वो इतनी मजबूत नहीं होती है। इसलिए फीमेल्स में भी पोस्ट प्रेगनेंसी हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ कंडीशन जैसे कहते हैं ना, वो हमेशा सर्जिकली ट्रीट की जाती है। हर्निया एक ऐसी कंडीशन है जो कभी भी किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती है, चाहे वो कंजेनाइटल हो, एकॉर्ड हो, फीमेल में हो, मेल में हो, या किसी भी एज ग्रुप में हो, चिल्ड्रन में हो। दिस इज अ सर्जिकल कंडीशन। क्यों? क्योंकि हमारी मसल्स वॉल वीक हो चुके हैं। अब मसल वॉल वीक करने के लिए हमें उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है, जो कि किसी मेडिसिन से नहीं होती। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, जैसे मेरे पीछे एक दीवार है, अगर ये दीवार या तो बनी ही कमजोर है, जैसे बच्चों में, ठीक है, या बनी तो अच्छी है लेकिन इस पे कोई प्रेशर पड़ रहा है, यानी मेरी दीवार में कंटिन्यूअस बैक साइड से कोई उस पे प्रेशर डाल रहा है, कोई डेली मान लीजिए सपोज उसमें नॉक कर रहा है, कुछ भी हैमर मार रहा है, तो क्या होगा, टाइम के साथ वो वीक हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये दीवार वीक हो गई, इसका एक पार्ट, जैसे सपोज मैं आप पीछे करूं, जैसे इसका एक पार्ट है यहाँ पे, ईट जो भी होगा अंदर, वो वीक हो गया, तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे? इस दीवार को हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी हमें दोबारा इस दीवार में ईट, पत्थर, सीमेंट ये सब लगाना पड़ेगा। तो आप ऐसे सोचिए कि हर्निया जो है वो हमारी मसल्स वीकनेस के कारण है, तो हमें मसल जो वीक हो चुकी है उसमें हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है मसल्स को, जो कि किसी मेडिसिन से नहीं प्रोवाइड होती। उसके लिए हमें सर्जिकली उसको जो चीज आ रही है, जो वहां पे मसल्स में जो वीकनेस हो रही है, उसको किसी ना किसी से सपोर्ट देना है, मतलब वहां पे उसको हमारे मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, जिसके लिए हम ऑपरेशन करके ही कर सकते हैं। सर्जरी बेसिकली दो तरह से होती है, एक जैसे नॉर्मल भाषा में जैसे कहते हैं नॉर्मल चीरे वाला ऑपरेशन, जो नॉर्मल ओपन टेक्निक होती है, और दूसरी होती है लैप्रोस्कोपी से होती है। आजकल लैप्रोस्कोपी जो है, एडवांस लैप्रोस्कोपी भी आ चुकी है, जो डिफिकल्ट केसेस भी होते हैं। देखा जाए दो तरह से सर्जरी होती है, कैसे मजबूत करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे आर्टिफिशियल चीजें होती हैं जो हमें उस पे एक लेयर बनाती है, जिसे हम मेश बोलते हैं। मेश जैसे नॉर्मल जैसे हमारी मच्छरदानी हो गई, सपोज एक जाल हो गया, जैसे एक जाल होता है, तो वो एक मेश होती है जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट की बनी होती है। उस मेश को हम वहां प्लेस करते हैं जो हमारी मसल वीक होती है, जहां पे हर्निया होता है, तो और जो एक डिफेक्ट बन जाता है जिससे सारे कंटेंट आते हैं, उस डिफेक्ट को क्लोज करते हैं और उसको मजबूती देने के लिए वो मेश अप्लाई की जाती है। तो चाहे वो आप ओपन टेक्निक से करें तब भी मेश लगती है, लैप्रोस्कोपी से करें तब भी मेश लगती है। जो मेश होती है वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है हमारी मसल्स को। जैसे कि क्या कहते हैं, मैंने बोला ना, ये मेश आर्टिफिशियल होती है, मतलब हमारे बॉडी के लिए वो फॉरेन बॉडी की तरह काम करती है, मतलब कि कोई भी ऐसा पार्ट जो हमारी बॉडी का नहीं है, अगर हम कोई चीज इंसर्ट करते हैं बॉडी में, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी कहते हैं, जैसे ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, वो बॉडी एक्सेप्ट करने में टाइम लेती है, उसके ऊपर जब वो उसमें एक महीने भी लग सकता है, दो महीने भी लग सकता है। तो ऑपरेशन के बाद जो मोस्ट कॉमन पेशेंट की कंप्लेन होती है कि उसको जो है अभी भी थोड़ा बहुत दर्द रहता है उसमें, क्योंकि जो मेश क्या होती है वो दर्द कर सकती है उसमें, तो ये प्रॉब्लम होती है। सब में नहीं होती है, कुछ लोगों में होती है, जो कि टाइम के साथ वो भी ठीक हो जाता है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी मोटी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि एक बार सर्जरी हो गई तो हर्निया दोबारा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें प्रिकॉशन हमेशा लेना है कि नेक्स्ट टाइम भी ये, एक बार ऑपरेशन के बाद दोबारा भी हो जाते हैं। तो मेन फैक्टर जो हमने पहले डिस्कस किया कि हर्निया का मेन जो फैक्टर है हमारी, जो मसल्स वीक हो गई है, और मसल वीक के क्या है, उसके जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी ऐसा वर्क, कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारे एब्डोमिनल में प्रेशर पड़े, तो ऑपरेशन के बाद भी जो हम लोगों को कहते हैं प्रिकॉशन लेने के लिए कि आपको कोई भी हैवी वेट लिफ्टिंग वाला काम नहीं करना है। सपोज कोई आप झुक के भी कोई चीज उठा रहे हैं तो आपको कमर से नहीं झुकना, आपको नी से झुकना है, नी बेंड करके, कि आपके एब्डोमिन में प्रेशर ना पड़े। और जैसे कि सपोज हमने कफ की बात की, जिनको क्रोनिक कफ होता है, तो क्रोनिक कफ ना हो उसके लिए जैसे स्मोकिंग जो करते हैं, स्मोकिंग वालों को कभी ना कभी ये कफ की प्रॉब्लम होती ही है, तो स्मोकिंग अवॉइड क्विट करना होगा आपको। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो दोबारा हर्निया हो जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे आपको हाई फाइबर डाइट की जरूरत पड़ती है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, बहुत सारा आपको वाटर लिक्विड ये सब चीज लेना पड़ता है, मॉर्निंग थोड़ा सा नॉर्मल एक्सरसाइज जॉगिंग, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो। दूसरी चीज, जिन लोगों को पेशाब की प्रॉब्लम होती है जो ये, तो उन लोगों के लिए हम मेडिसिन देते हैं कि पेशाब की जरूर प्रॉब्लम ना हो। तो ऑपरेशन के बाद ये सब चीजें बहुत केयर करनी होती है कि ये दोबारा हर्निया ना बनने पाए, दोबारा हमारी वीकनेस ना होने पाए।